अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारिक अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि दुरूद पाक का विद जारी रखा करें, अपनी आदत बना लें दुरूद पाक पढ़ने के, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने सैटरडे के लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.3 के बस 7 क्वेश्चंस किए थे, जो कि तमाम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन हमारे पास है, इवैल्यूएट शो दैट डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बेटा याद रखिए, सब्स्टिट्यूशंस जहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, जहाँ भी ये ए आएगा इस तरह आ जाएगी, अंडर रूट की फॉर्म में आ जाए तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए सीकर थीटा, एक्स इक्वल टू ए सीकर थीटा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब इसकी सब्स्टिट्यूशन बेटा क्या है, पुट यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, हमने क्या क्या पुट करना है, ए सीकेंट थीटा, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, जहां भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो सब्स्टिट्यूशन होंगी जो हम यूटिलाइज करेंगे। अब इसका डिफरेंशियल करें तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स ए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा और डी थीटा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब बेटा यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये ए थीटा का डिवाइड हो जाएगा एक्स ओवर ए, एक्स ओवर ए किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देखिएगा जरा गौर से, डी एक्स हमारा किसके इक्वल है, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट एक्स की जगह पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सीकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है आपने, मेन काम ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन से यूज होगी। मैंने बताया कि जहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा वहाँ पे ए सीकेंट थीटा की सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, और अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता तो फिर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं। ये सारी सब्स्टिट्यूशन 5-6 हैं कि आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और सीकेंट का स्क्वायर लेंगे तो सीकेंट स्केयर थीटा और ये माइनस ए स्केयर वैसे। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे ए स्केयर कॉमन है, इंटीग्रेशन है ए सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर अंडर रूट ए स्केयर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया सेकेंड स्केयर थीटा माइनस वन, सेकेंड स्केयर थीटा माइनस वन। आप लोग जानते हैं कि सेकेंड स्केयर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है, जी बिल्कुल टेन थीटा के। ए स्केयर टेन स्केयर थीटा। मजीद बेटा इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सेकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्केयर का अंडर रूट लेंगे ए आएगा, टेन स्केयर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो टेन थीटा आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ए से ए कटिंग हो जाएगी, टेन थीटा से टेन थीटा कटिंग हो जाएगी, हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सेकेंड थीटा डी थीटा।
ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन होती है एल एन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी वन कह रहे हैं या सी प्राइम कह रहे हैं, ठीक है, एल एन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और सी वन। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज मौजूद है उसका सेकेंड थीटा की है, टेन थीटा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें तो ये चीज प्रूव करनी है ना। अगर हमें ये चीज प्रूव ना कर दी होती तो ये आंसर था हमारा। अब क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करनी है लिहाजा हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें। तो देखो सीकर थीटा टेन थीटा तो हम ये तो देख सकते हैं अंदर कुछ सीकर से थीटा माइनस वन प्लस सी वन। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या आ गया, सीकर स्केयर थीटा माइनस वन का अंडर रूट। अब हम सीकर थीटा की जगह ये भी सीकर आ गया, ये भी सीकर आ गया। अब ये सीकर थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। एक्स ओवर ए प्लस अंडर रूट, अब ये सीकर स्केयर थीटा है, ये सीकर की वैल्यू एक्स ओवर ए है, तो सीकर स्केयर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वन प्लस सी वन। बस ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स ओवर ए प्लस एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे जितना आ गया प्लस सी वन। ओवर वाली वैल्यू को अंडर रूट में तो सेपरेट सेपरेट अंडर रूट कर देते हैं प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी वन। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ओवर वाली वैल्यूज हो बिटवीन प्लस माइनस का साइन हो, हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है यही एलसीएम आ जाएगा। एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वन। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये बताता था कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती है, अगर प्लस हो रही हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें क्या बताता था कि अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या बताता था, पावर होगी तो स्टार्ट में आ जाएगी और अगर कोई चीज़ स्टार्ट में तो पावर में चले जाएगी। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो ये क्या आ जाएगी माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एल एन ए प्लस सी। अब स्टूडेंट अगर गौर करें कि ये एल एन ए है ये भी तो कॉन्स्टेंट ही है ना, और सी वन जो है ये भी कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉन्स्टेंट ही आएगा। इट मीन्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के माइनस ए के प्लस सी आ गया, वेयर माइनस एल एन ए प्लस सी वन किसके इक्वल हो जाएगा सी के। क्यों, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट को माइनस कर दें या माइनस कॉन्स्टेंट में कोई कॉन्स्टेंट प्लस कर दें आंसर कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया सी। अब आपको पता चला होगा कि अगर प्रूफ दैट सी चाहिए था, अगर हम यही सी लिख लेते ठीक है तो फिर ये भी कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारे पास, हमने कहा था माइनस एल एन ए प्लस सी इज इक्वल टू सी। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी कि कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट प्लस करेंगे तो कौन सा कॉन्स्टेंट आएगा। अब देखो अगर मेरे पास फाइव है कॉन्स्टेंट उसमें मैं सेवन प्लस करता हूँ तो मेरे पास ट्वेल्व कॉन्स्टेंट आएगा छः से। अगर मैं कहूँ कि फाइव प्लस सेवन और दोबारा फाइव लिखूँ तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे सी वन यूज कर दिया था। तो आप सी प्राइम भी यूज कर सकते हैं, सी प्राइम भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के माइनस ए के प्लस सी, यही आपका आंसर था। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इस तरीके से आपने इसको
ड्राइव करना बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 या पार्ट 2 वो पूछ लेता है। अब बेटा इसकी जो असाइनमेंट है आपकी, असाइनमेंट नंबर 2 प्रूव दैट करना है आपने अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बेटा स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये क्या देगा डी एक्स, और ये क्या देगा ए साइन थीटा का डायरेक्टली क्या होता है कोस थीटा और डी थीटा। ये तो डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पे x की जगह पे आप कह रहे हैं ए साइन थीटा, तो ये बन जाएगा ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। जब उसमें से ए स्केयर कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 माइनस साइन स्केयर आ जाएगा, जो 1 माइनस साइन स्केयर होगा वो किसके इक्वल होगा कोस स्केयर के। तो यानी यहाँ से आपके पास ए कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे पहले ही ए कोस थीटा आया हुआ है, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्केयर कोस स्केयर थीटा। ए स्केयर बाहर कर देंगे और कोस स्केयर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि साइन स्केयर थीटा की कोस स्केयर थीटा की और टेन स्केयर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम स्पेसिफिक फॉर्म लेते हैं, जैसे मैंने कहा था कि कोस स्केयर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, आपका फार्मूला क्या बनेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 सॉरी फॉर दैट। तो हम इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करें, 1 ओवर 2 ज्यादा हो जाएगा कोस 2 थीटा ओवर 2 ज्यादा हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करें। तो इस तरीके से आप इसको करते हुए प्रूफ दैट तक ले गया, जब आपने इसको लेट किया ना x इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा, तो बेटा देखो a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a क्या हो जाएगा sin थीटा, और अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये sin थीटा क्या हो जाएगा इनवर्स। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा sin इनवर्स x ओवर a। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली है, अगर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाता है तो 1 की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो थीटा आएगी, तो थीटा की जगह आप साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स एक्स ओवर ए भी यूज होगा। तो आपने जब इसको लेट करना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वहीं पर आपने इसकी वैल्यू निकालनी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इसकी असाइनमेंट जो मैंने दी है और जो मैंने सैचरडे वाले दिन असाइनमेंट दी थी ये दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करके लाएंगे। ये मैंने दोनों असाइनमेंट चेक कर ली है ट्यूसडे वाले दिन और आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। आपके पास ये जो डेज मिल रहे हैं जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसको आपने वेस्ट नहीं करना टाइम को, इसमें आपने ये भी कोशिश करनी है कि पिछला सारा काम जो है उसकी प्रैक्टिस साथ साथ की जाए। और मैथ के रजिस्टर्स जिन बच्चों ने नहीं लिए थे वो जल्दी से अपने मैथ के रजिस्टर ले लें ताकि जो हम नोट्स बना रहे हैं इन चैप्टर्स के वो आपके पास बन जाए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।